आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम क्लास फोर्थ का इंग्लिश का। कल हमने हाफ लेसन पढ़ा था फ्रॉम अलाइस इन वंडरलैंड, आज हम उसका हाफ पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो थोड़ा रह गया था, ठीक है ना। तो हमने देखा जब अलाइस क्या करती है, अलाइस जब उस गार्डन के अंदर गॉट इन टू द गार्डन, बट सून शी रियलाइज दैट शी हैज फॉर, उसको लगता है जैसे वो गार्डन के अंदर जाती है, गॉट इन टू द गार्डन, उसको लगता है कि जो गोल्डन की है, जो सोने की चाबी है, वो वहाँ पे भूल के आ गई। व्हेन शी वेंट बैक टू इट, शी वेंट बैक टू द टेबल फॉर इट, शी फाउंड दैट शी कुड नॉट पॉसिबली रीच इट। जब वो टेबल के पास जाती है, वो बोलती है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है, ठीक है ना। Soon her eyes fell on a little glass box. अचानक वो क्या करती है, उसकी जो आँखें हैं वो जाती हैं किसकी तरफ, देखती हैं एक लिटिल वहाँ पे एक डब्बा जैसा बॉक्स जैसा होता है, ठीक है ना, ग्लास बॉक्स, ठीक है ना, दैट वॉज लाइंग अंडर द टेबल। वो ग्लास बॉक्स कहाँ पे होता है, टेबल के नीचे। शी ओपन इट, वो उसको खोलती है, एंड फाउंड दैट इन इट अ वेरी स्मॉल केक, उसके अंदर क्या देखती है, एक छोटा सा केक, ठीक है ना। तो केक जब देखती है, On which the word eat me was very beautifully marked. तो उस केक के ऊपर लिखा होता है eat me, ठीक है ना। She ate the cake and got bigger to reach out to the garden, to the golden key. तो वो क्या करती है, वो खाती है वो केक और वो बड़ी हो जाती है, और बड़ी होने के बाद क्या करती है, reach out to the golden key. तो वो golden key के पास पहुँच जाती है। No, she was too big to reach out of the door. अब वो इतनी बड़ी होगी कि वो आराम से डोर दरवाज़ा पार कर सके, ठीक है ना। तो ये हमने आज पढ़ा, ये लेसन कौन सा, फ्रॉम द अराइस इन वंडर लैंड, ठीक है ना। तो बेटा इसके अब है क्वेश्चन आंसर्स। ये कंप्लीट लेसन फ्रॉम हमने रीड किया, क्या कौन सा लेसन, फ्रॉम अलाइस इन वंडर लैंड, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है ना। आप बच्चे भी फिर इसको नोट करोगे अपनी अपनी कॉपीज पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, What was Alice's sister doing? यानी कि Alice की बहन क्या कर रही थी? Answer: Alice's sister was reading a book. Alice's sister was reading a book. क्या कर रही थी? किताब पढ़ रही थी. What? Question number second देखो. What are the things that Alice see After she enters the rabbit hole? Question number second answer. Alice saw cupboards. क्या देखा उसने? Cupboards and bookshelves here and there. एक देखी उसने cupboards, दूसरा क्या देखा? Bookshelves. She saw, इसके साथ और क्या देखा? She saw maps and pictures hanging on walls. उसने देखे कुछ मैप्स और कुछ तस्वीरें दीवार के साथ लटक रही थी, ठीक है। फिर है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु डज अलाइस थिंक वुड मिस हर। अलाइस क्या सोचती थी, कौन उसको याद कर रहा होगा, वो कौन उसको मिस कर रहा होगा, ठीक है ना। दिना द कैट ऑफ अलाइस, कौन थी दिना, उसकी क्या थी, कैट थी, पेट कैट जिसको बोलते हैं, वुड मिस हर वेरी मच, ठीक है ना, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही होगी, ठीक है ना। दिना द कैट ऑफ अलाइस वुड मिस हर वेरी मच। फिर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है, हाउ डिड अलाइस एंटर द ब्यूटिफुल गार्डन, उस खूबसूरत गार्डन के अंदर कैसे गई, क्योंकि वो तो बड़ी थी, ठीक है ना, तो गार्डन का दरवाज़ा छोटा था, तो उसने उसको कैसे वहाँ से फिर वो गई। शी ड्रैंक द लिक्विड फ्रॉम द बॉटल, उसने एक बॉटल में लिक्विड था वो पिया, एंड फाउंड हर सेल्फ श्रिंकिंग इन द इन साइज, उसको लगा कि वो छोटी हो रही है, छोटी, जैसे उसने वो बॉटल में से वो लिक्विड पिया, उसको लगा वो छोटी हो रही है, छोटी उस साइज़ में श्रिंक होगी, छोटी होगी, एंड इन दिस वे, और इसी तरीके से शी एंटर द ब्यूटिफुल गार्डन, समझ आई। शी ड्रैंक द लिक्विड फ्रॉम द बॉटल एंड फाउंड हर सेल्फ श्रिंकिंग इन साइज, एंड इन दिस वे शी एंटर द ब्यूटिफुल गार्डन, फुल स्टॉप। ये तो आपके आज मैंने कराए चार क्वेश्चंस। अब है कल इसका ग्रामर पोर्शन, जितना भी कल इसका ग्रामर पोर्शन है वो हम सब कल कर लेंगे। आप आज आप याद भी करोगे और नोट डाउन करोगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, ओके।